वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर रियली रियली गुड। तो ये है मेरे स्कूल के सामने वाला जो खेत है उसका सीन है। यहाँ पे अचानक से मौसम ने जो करवट ले ली और इतनी झमाझम बारिश हुई ना, और खुले खेत में जब बारिश होती है ना तो उस व्यू को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा था मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। एंड ये उसके नेक्स्ट डे का है जिस दिन बिहार बंद का आह्वान किया गया था। मैं स्कूल जाने के पहले ही इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था रोड पर, पत्थरबाजी हो रहा था, मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा था। बिहार बंद था उस दिन और बहुत ही ज़्यादा खराब माहौल था यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रही हूँ। वहाँ पर वीडियो तक का गाड़ी जो है वो तोड़ दिया गया था, ब्लॉक वगैरह में सारी कुर्सी वगैरह लॉयर के तोड़ दिए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कोई जा रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला हुआ था, सारे दुकान क्लोज थे। अप्रॉक्स 2 बजे दोपहर में सभी बंद थे, शाम में खुली थी सारी दुकान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ, और यहाँ पे पुलिस भी थी इन लोगों के पीछे पीछे ताकि ये लोग कुछ भी है जो हल्ला गुल्ला ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करे। तो इन्होंने थैंकफुली जो है हमारे मतलब हमारे एरिया में कुछ भी नहीं किया, जो किया वो मार्केट साइड किया। हमारा घर ही मार्केट साइड है लेकिन जो मेन मार्केट है ये लोग वहाँ पे किए। मैंने जैसा बताया कि वीडियो की जो है वो गाड़ी इन्होंने तोड़ दी, ब्लॉक में जाके लॉयर्स वगैरह का सारा टेबल चेयर सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया, जबरदस्ती बैंक वगैरह सब बंद करवाने लगे। तो बैंक भी शटर गिरा दिए उसके बाद, लेकिन फिर शटर नहीं आ रहा था, सब कोई जानते थे आज बाहर निकलना। फिर बैंक करके दोपहर के बाद फिर वो लोग खरीदते। गुड आफ्टरनून फैमिली एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो अभी मैं शावर भी नहीं ली हूँ, आज लेट हो गया। तो मैं सोची कि शावर लेने के पहले मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ, होलिया थोड़ा बच्चा कर लेती हूँ इसीलिए। और मैं अगर हस्बैंड जी को ऐसे ही बोलती कि स्क्रब कर लो तो वो कभी नहीं करते, करते भी तो 10 दिन का टाइम लेते उसके बाद करते, लेकिन मुझको करता हुआ देख करके वो तुरंत इंस्टेंटली जो है वो करने लगे अपना स्किन केयर। और मैं आप लोग को बहुत अच्छी बात बताने आई हूँ, मेरे लिए तो अच्छी है। देख रहे हैं बेसन वगैरह उन्होंने गिरा दिया। ये मैं लेके आई थी प्लांट और इसमें आज पहला फ्लावर जो है वो दे चुका है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मैंने अड़हुल लगाया है लेकिन अड़हुल अब वो भी डंटी है, उसमें भी जड़ वगैरह नहीं आया है, वो रेड कलर वाला है। और भी मैं कलर के लाऊँगी, मैं देखी हूँ रास्ते में जब स्कूल जाती हूँ किसी किसी घर में लगा हुआ रहता है। मैं रुकी भी थी कि कोई मुझे दिखेगा तो मैं बोलूँगी कि मुझे एक डाली दे देने के, लेकिन कोई दिखा नहीं। अभी मैं देखूँगी तो रोज़ ही मैं ध्यान देती हूँ, क्लीनिंग की है, हमने डस्टिंग करी है बहुत ही अच्छे से। ये हमने मनी प्लांट के बारे में आप लोग को बता दूँ, ये हस्बैंड जी जब पटना में रहते थे राजीव नगर में तो वहीं पर इन्होंने लगाया था। फिर वो अक्टूबर में कटिहार ले आए और कटिहार से हम लोग इस बार इसको लेकर के आए हैं। तो एक डाली तोड़ लिए थे, ये और लंबा था, इसको अभी हम लोगों ने तोड़ा है, घर में अच्छा लगता है ग्रीन बॉटल में सजा हुआ। एंड ये देखिए ये फोटो फ्रेम कितना सुंदर लग रहा है, रॉयल लुक। एंड ये मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट करा था, एंड उसका आधा पार्ट काट के यहाँ हम लोगों ने इसका हैंगिंग मनी प्लांट पॉट लगा दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। और भी मैं ग्रीन बॉटल जो है स्प्राइट और कौन कौन होता है माउंटेन ड्यू ये सब मैं खरीदूँगी छोटा वाला, और किचन में भी मैं लगाऊंगी, बहुत सोचा है हमने। इंडोर प्लांट हम लोग फोकस कर रहे हैं कि लगाए, बेडरूम में भी लगाएंगे हम लोग। अभी लाइट नहीं जला हुआ इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा, बेडरूम में भी लगाएंगे, किचन में लगाएंगे, एंड हॉल में तो हमने लगा ही दिया है। और बैम्बू ट्री होता है बांस वाला, वो भी ऑनलाइन परचेज करेंगे। फिलहाल तो आज हमने ये लगाया है इसका वाला कट करके। तो अभी मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए, उसके बाद यहाँ का भी दिखा देते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को भी कुछ वास्तु का नॉलेज है तो जरूर टिप्स दीजिएगा कि घर में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कुछ टिप्स है तो जरूर दीजिएगा। एंड ये वाली फ्रेम बड़ी वाली ये कटिहार में थी, यहाँ पे मैं ले आई और वहाँ पर नया वाला हम लोगों ने लगा दिया वॉल में। एंड ये कोलाज है, रुकिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये रहा कोलाज, ये हमारा मेमोरी वॉल है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेमोरी वॉल है। इसमें और भी फोटोज लगेंगे, अभी फिलहाल यही है। यहाँ पे हस्बैंड जी एंड उनकी सिस्टर, यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी जब पूरी गए थे। यहाँ पे है मेरे बचपन की फोटो देख सकते हैं, एंड ये वाली ग्रुप फोटो आप लोग को याद होगा
जब मेरा भाई शादी करके पहली बार अपनी वाइफ को लेकर यहाँ को लेकर जा रहा था गुवाहाटी, एंड ये है जिसमें रियांस है, मीठी है, दी है एंड मैं हूँ। ये हमारा मेमोरी वॉल है, मेमोरी वॉल है ये, एंड ये हमने यहाँ पे टेबल जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अगर ये वाला जो थर्मोस्टीन वाला आता है ये अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। ठंडा को ठंडा, गर्म को गर्म रखती है। आधा ठंडा वाटर भर दीजिए, गर्म और नॉर्मल ठंडा गर्म नॉर्मल मिक्स कर दीजिए तो आपको ये अच्छा पानी देगा और 24 घंटे रखता है ठंडा ठंडा। और तो हम लोग इसी पे खाते हैं। ये हमारा सेटअप है और यहाँ पे दो चेयर लगे हुए हैं और ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐसे सजा हुआ है। तो मैं आपको ये फोटो भी अच्छी यहाँ नज़दीक से दिखा देती हूँ, गौर से देख लीजिए। ये हस्बैंड जी के मामा के बेटे की शादी में जब हम लोग गए थे, ब्लॉग भी काफ़ी आपने पसंद किया था, तो ये फोटो बहुत ही सुंदर आया है। ये हमारा रहा फुल लुक। तो ठीक है, मैं चली शावर लेने के लिए, आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो अभी का अपडेट आप देख सकते हैं, इतनी झमाझम बारिश हुई है, पहली बार यहाँ पे पूरा पानी यहाँ भर चुका है। ये तो बैक पार्ट का है हमारे घर का, अभी मैं फ्रंट पार्ट आपको दिखाती हूँ। लाइन भी चले जाती है, बारिश आए चाहे नहीं आए, बिजली की कड़क सुनते के साथ ही पहले इलेक्ट्रिसिटी ही जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर किचन जाने लायक रास्ता नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसे मैं लगा देती हूँ नहीं तो पूरा पानी भर जाएगा। ये मैंने लगा दिया है, पानी तो आ ही गया है लेकिन स्लाइडर लगा देने से पहले मैं सारे पानी को बाहर कर देती हूँ, देन मैं शास्त्रीय संगीत गा रहा है। A few moments later. My beautiful family, तो आज यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, अभी भी छिटपुट सी बारिश हो रही है एंड बादल जो है वो गरज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में हूँ और मैं दूध जो है वो बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि दूध हमने शाम में बॉयल किया था, मतलब हस्बैंड जी ने किया था, बट अभी हमने चाय बनाई अभी इतना लेट 9:45 बजे, तो लगा कि जैसे कि वो फट सकती है। मौसम अच्छा लेकिन फिर भी, तो मैंने सोचा कि गर्म कर देती हूँ मैं एक बार और। और मैं बता देती हूँ, जब मैं गर्मी छुट्टी में कटिहार में थी तो यहाँ पर भयंकर वाली गर्मी थी। इस साइड का मौसम थोड़ा होता ही है बेकार टाइप का, भयंकर वाली गर्मी थी। लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ आए सिर्फ उस दिन गर्मी हुई, परेशान हो गए थे हम लोग। कटिहार का मौसम बहुत ही ऑसम होता है, तो बस अगले दिन से यहाँ पर बारिश होने लगी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि हम लोग जब आए तो बारिश की बौछारें लेकर के आए, तो बारिश की बौछारें लेकर के हम लोग आए, नहीं तो उसके पहले यहाँ के जो लोग हैं वो रेगिस्तान में गोते खा रहे थे बालों में। तो अभी मैं दिखा देती हूँ मैंने डिनर में क्या बनाया है। तो डिनर में मैंने यहाँ पे बनाया है ये कच्चे आम की सब्जी चटनी, जो कह लीजिए वॉट एवर। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ हस्बैंड जी के फरमाइश पे सत्तू के परौठे, यस सत्तू का पराठा एंड कच्चे आम की चटनी। ये हमारा डिनर होने वाला है टेस्टी वाला। ऐसे तो मुझे नॉनवेज खाने का मन था हस्बैंड जी को भी, लेकिन आज दिन भर संडे कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला संडे कैसे। आज मुझे अपने छोटू मोटू सा फ्रिज तो नहीं है नॉट सो मच छोटू, मुझे अपना फ्रिज का जो है वो क्लीनिंग करना था। एक बार मैंने क्लीनिंग नहीं किया इसका, लेकिन नहीं मिला टाइम, क्या करूँ नहीं मिला टाइम। तो यही है अपडेट, पापा मम्मी चले गए कटिहार, पापा की भी स्कूल खुल गई है। एंड लॉन्ग छुट्टी के बाद जिस दिन भी स्कूल खुलती है उस दिन स्कूल जाना बहुत जरूरी रहता है इसीलिए। एंड आज है फादर्स डे, सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द हैंडसम फादर्स आउट देयर। तो हैप्पी फादर्स डे। तो मैंने फादर्स डे में केक वगैरह कुछ ऑर्डर नहीं किया, मैंने एक दिन पहले ही पापा मम्मी के लिए चिकन चिल्ली ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि केक वहाँ पे कौन खाएगा, कोई लाइक वाइक करते हैं नहीं बाहर का, केक दो आदमी में ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए मैंने कुछ ऐसा चीज़ ऑर्डर किया जो कि वो लोग खा भी ले अच्छे से। तो कल ही गए थे तो मैंने चिकन चिल्ली जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था बिना बताए। तो चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बिहारी स्टाइल में सत्तू का जो स्टफिंग, सत्तू पराठे का जो स्टफिंग होता है वो स्टफिंग हम लोग कैसे करते हैं।
स्टफ्ड पराठे में आप जो भी स्टफिंग कीजिएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से उसमें टेस्ट आता है। सत्तू पराठा का जो स्टफिंग होता है, चलिए मैं उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले जिंजर और गार्लिक दोनों को चॉप कर लेना है बारीक से। मैं दो आदमी के लिए बना रही हूँ, सत्तू भी मेरे पास कम है, मतलब दो आदमी के लिए सफिशियंट है। स्टफिंग वाले पराठे में आपको स्टफिंग ज़्यादा करके भरना पड़ता है तभी टेस्ट आता है। तो ये दोनों मैंने काट लिया, लहसुन एंड अदरक, देन मैंने सत्तू डाल दिया। अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन मैंने हल्का सा ज़्यादा दे दिया है क्योंकि ये खाना पचाता है और ये टेस्ट भी बढ़ाता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये, तो अजवाइन ज़रूर डालना है। देन यहाँ पे मैं मंगरेला डाल रही हूँ, काले कलर की जो होती है, हम लोग तो मंगरेला बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मंगरेला डाल देना है। ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा दी हूँ क्योंकि इसे अच्छा लगता है देखने में। एंड ये आम और कटहल का मिक्स्ड अचार है, घर का बना हुआ है, तो इसका तेल भी दे देना है एंड अचार भी दे देना है। तो अचार मैंने पहले एक दिया था मैंगो का, तो उससे मैं फिर बाद में मैंने टेस्ट किया तो मुझे खटास थोड़ी कम लगी, चटपटा ये होना चाहिए, तो मैंने एक और फिर कटहल का दे दिया था अचार, तो चटपटा हो गया था। और भी चीज़ देंगे हम लोग, सिर्फ अचार से चटपटा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लेमन जो है, लेमन भी मैंने कट करके रख लिया, पर सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं वाइट सॉल्ट दे रही हूँ, सादा नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो दे देना है। स्टार्टिंग में आप कम दीजिए क्योंकि कम हो जाएगा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर कम होना थोड़ा क्या बोलूँ मैं, दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन कट किया था, पर मैं यहाँ पे मैं पहले उसका आधा ही दे रही हूँ, बाद में मैं टेस्ट करूँगी, अगर मैं चटपटा थोड़ा कम लगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। स्टफिंग चटपटा होना ही चाहिए सत्तू वाला पराठा का, वरना फिर मज़ा नहीं आता, वो मज़ा नहीं आएगा जो आप बाहर के लिट्टी में खोजते हैं। तो आधा जो मैंने लेमन इसमें डाला था उसे मैंने पानी में डाल दिया है ताकि जो पानी है उसमें थोड़ा खटास हो जाए। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे मम्मी का देखा है, एंड मम्मी जो है वो सत्तू पराठे का स्टफिंग बहुत ही अच्छा बनाती है, तो उन्हीं से मैंने सीखा है। और मैं सत्तू के पराठे के स्टफिंग में प्याज बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे प्याज सत्तू में पसंद नहीं है, और बस पसंद नहीं है मुझे वो, इसीलिए विदाउट अनियन वाला मैं ये बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली थी सत्तू में, अब वो सबको मैं पहले अच्छे से मिला लूँगी, और पानी जो हमने रखा है उसको भी हल्का हल्का करके इसमें डालना है क्योंकि अभी अगर पानी यूज़ नहीं करेंगे तो वो अजीब सूखा सूखा रहेगा, तो उसको हल्का सा पानी से हम लोग मिलाते रहेंगे ताकि वो पाउडरी फॉर्म में ना रहे, मिलाते रहना है। देन यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब सरसों का तेल इन्हेंस कर देता है इसके टेस्ट को, तो सरसों का तेल जो होता है ना वो मैंडेटरी है। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग ऐसा हो गया। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दिया। टेस्ट किया, लेमन मैंने और डाल दिया, अचार मैंने और डाल दिया, तो ये स्टफिंग मेरा जो है वो रेडी हो गया है। और अब जो है पराठे का आटा मैंने गूंद लिया है, इसमें दिया है और स्टफिंग बनाऊंगी। स्टफिंग बनाने में मुझे बहुत अच्छे से गोला गोला करके, मतलब आटा को उसके अंदर स्टफिंग भर लेते होंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से करती हूँ, अच्छे से होता है, फटता वटता नहीं है मेरा पराठा, मैं आप लोग अभी देख लीजिएगा लाइव ही, फटता वटता नहीं है, लेकिन आपको मेरा ये गोला करने का तरीका कुछ अजीब लगेगा। हर किसी का तरीका, काम करने का तरीका बहुत ही अलग होता है, लेकिन रिज़ल्ट जो होता है वो मायने रखता है। तो मेरा जो रिज़ल्ट है सत्तू पराठा का वो मायने रखा और वो बहुत ही अच्छा बना।